हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का वेदमी यूट्यूब चैनल के साथ। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। ऑल अबाउट पीएचडी इंटरव्यू में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एस्पिरेंट्स के बारे में जिन्होंने बार का जो है एग्जाम क्लियर किया है और हमारे साथ वो जुड़ चुकी है। आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे क्योंकि इससे पहले हम कई सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर चुके हैं। इवन कई ऐसे जो है ऑल अबाउट पीएचडी में इवन कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो कहीं और जगहों पे हैं, कई सारे जो है कलीग्स जिनके बारे में हम डिस्कस किया था। आज जो है हम चर्चा करेंगे ऐसे एक एस्पिरेंट के बारे में जिनका नाम है स्मृति गुप्ता। तो वेलकम स्मृति, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। ओके सो बात करेंगे पहले तो स्मृति, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए कि आप जो है कहाँ से हैं और आपने आपकी जर्नी जो है वो कैसे रही। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर टू बी हियर। या आई एम स्मृति गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम मिर्जापुर एंड माई बैचलर इज फ्रॉम MGKVP यूनिवर्सिटी वाराणसी एंड माई मास्टर इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इन बायोकेमिस्ट्री। एंड देन आफ्टर आई क्लियर गेट एग्जाम इन 2023 बाई टेकिंग द सर चैनल सब्सक्रिप्शन। एंड देन आफ्टर आई क्लियर बी सो मैनी इंटरव्यूज आई हैड गिवेन, बट आफ्टर दैट फाइनली आई क्लियर द BARC इंटरव्यू एंड नाउ आई एम सेलेक्टेड फॉर PhD इन BARC मुंबई। तो स्मृति, बात करते हैं कि आप जो है जैसा कि आपने बताया आपने काफ़ी सारी चीज़ें करी और हमें पता है कि आपने गेट की प्रिपरेशन भी करी और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, तो आप अपने गेट के प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी और क्या एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? आपने क्या चैलेंजेस जो है फेस किए ड्यूरिंग द गेट एग्जामिनेशन? या फर्स्टली आई गो टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CSIR, बट आई डिडन्ट क्वालिफाइड इट बिकॉज आई एम डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन दैट टाइम। एंड देन आफ्टर आई जस्ट लिसन अबाउट द ई लर्नम चैनल एंड विरेन सर, एंड देन आफ्टर आई टेक द ई लर्नम सब्सक्रिप्शन फॉर द गेट। एंड आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर द गेट एग्जाम बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिडंट रीड एनी आउटसाइड कंटेंट एनी अदर बुक। आई ओनली रीड अबाउट द कंटेंट दैट प्रोवाइडेड बाई द सर इन दिस ई लर्नम ऐप। एंड देन आई क्वालिफाइड गेट इन लाइफ साइंस स्ट्रीम विद 684 गेट स्कोर। एंड या आई थिंक इट इज सफिशियंट, सो इट इज़ वेरी ट्रस्टेबल, सो यू कैन गो थ्रू इट। ओके सो गेट में जैसे आपने बताया 684 स्कोर आपने किया था, तो आपका रॉ मार्क्स कितने थे? 51.3। ओके ग्रेट। तो आपने कई सारे इंटरव्यूज भी दिए होंगे IITs में, यस सर, है ना? यस आई हैड गिवन। और तो कौन कौन से IIT में आपने इंटरव्यू दिया, और अगर आप बताना चाहें किस IIT का इंटरव्यू कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंसेस आपने, कैसे क्वेश्चंस थे, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें उसके बारे आई हैड गिवन अबाउट 8 to 9 इंटरव्यू इन 2023। फर्स्टली आई हैड गिवन IIT मद्रास, दैट वाज ऑनलाइन इंटरव्यू एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू, सो आई वाज सो नर्वस एंड आई डिड वेरी 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 सिली मिस्टेक यू कैन से। एंड देन आफ्टर आई गिवन द IIT BHU एंड इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। देन आफ्टर आई हैड गिवन IIT बॉम्बे, दे आई हैड क्वालिफाइड रिटन एग्जाम एंड डिड जस्ट इंटरव्यू वन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट IITs मोस्टली प्रिफर द दोज कैंडिडेट दैट हैड JRF बिकॉज द गेट रिलेटेड असिस्टेंट यू कैन यू नो द इंस्टीट्यूट फेलोशिप दैट दे प्रोवाइडेड इज वेरी लेस सीट दे आर। सो मेनली द लास्ट क्वेश्चन जनरली दे आस्ड दैट आर यू JRF और गेट, इट्स अ जजमेंटल क्वेश्चन आई थिंक। सो या so I hadn't reached the second interview, I had only reached the first interview. Then after I had given the IISER Bhopal where I had qualified written exam and interview one. My interview two was very superb and I think they all are very satisfied, but last same question they had asked to me, are you GATE or JRF? Whenever I said no sir, I don't have any fellowship, I have only GATE score. So they were even most of them when represent their lab and all, they very they're very particular that I had only take JRF candidates. Some of them only said that I have the means good with both of them, but mainly referred to JRF. So you have to take JRF, any one of ICMR, DBT, CSIR, any one of them, you have to take. Then you are on the safe side, I think. Then after I had given NABI Mohali,
Then after I had given TMC Mumbai, IIT Mandi, I had there was offline interview. I had gone to so far, but so beautiful. So you and last and yeah, and then BRC Mumbai. So these are all the scenario. But yeah, I think you had submit the form, you had given the, all the exam, because one thing, yeah, either you win or you just take experience, because these all interview gives me so many experience that I use in the BRC, because BRC interview is very lengthy. So if you are experienced one, then you can just tolerate that panic level and that and you know, very stressful environment there. Because their interview, my interview was like 1 hour 15 minutes. In the bark. Yeah. So yeah, some of the students like ki they ask me, yeah, they generally put the questions ki यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएं कि ना जाएं या वहाँ पे जाएं. अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जहाँ पे हो या मैं सिर्फ एक ही इंटरव्यू दूँ जहाँ मेरा मन करता है. लेकिन कहीं ना कहीं बार्क के इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के पीछे इतने सारे इंटरव्यू का एक्सपीरियंसेस काम आया होगा. तो चाहे वो आप फेल होते या पास होते, इंटरव्यू आपको एक एक्सपीरियंस जरूर काउंट करता है, जो आपको अगले इंटरव्यू में थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनने में हेल्प करता है. जो कि मैं अक्सर स्टूडेंट को भी रिकमेंड करता रहता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि आप जितने भी इंटरव्यू में आपको कॉल किया जा रहा है, वो चाहे आईआईटी का हो, आईसर्स का हो या सीएसआर लैब्स का हो, जाइए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दीजिए. कम से कम उससे आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि इंटरव्यू होता कैसे, क्वेश्चंस कितने डायरेक्शन से पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, राइट. तो इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन एक्सटेंड करना चाहूँ आपसे कि कौन सा जो है वो इंटरव्यू आपके लिए सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अपार्ट फ्रॉम बार्क, इसमें क्योंकि आप सेलेक्टेड हो वो तो है ही, लेकिन जो बाकी और कौन सा ऐसा इंटरव्यू रहा जो सबसे बुरा एक्सपीरियंस आपके लिए इंटरव्यू पैनल से निकलने के बाद आपको लगा? सर, आइजर भोपाल वाज वेरी गुड फॉर मी. ओके, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिडंट रीड एनीथिंग स्पेशली फॉर आइजर भोपाल एग्जाम और इंटरव्यू. आई जस्ट माई गेट कंटेंट इज वॉज इनफ फॉर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जाम ऑफ द आईआईटी एंड आइजर. आई डिडंट रीड एनीथिंग अबाउट इट. And then interview one was, as I am from biochemistry, the when will you said that I am from biochemistry department, then they will say you just keep the marker and just go. Means the structure, amino acid, titration curve, so many things. Mm-hmm. And I had drawn everything because I'm so happy. I just ask me, I know everything. Everything. So Aiza Bhopal was very good. And worst, I didn't say worst, but yeah, IIT BHU was not good because they are very particular, because I'm not bitching the IIT BHU finally, but yeah, they are very particular about IITians and GRF, and then they call GATE like student, okay, like me. So this was not very good for me, but yeah. I had take some experience. In fact, I had learned some patience because they called me 7 a.m. and my interview was 4 p.m. So they learned me very too much experience about it. Okay, so जैसा आपने बताया कि आईसर भोपाल वॉज गुड एंड आई टी बी एच यू वॉज नॉट गुड दैट मच. हाँ, लोग प्रिफर करते हैं वो डेफिनेटली. जैसा कि शुरू में बात हुई थी कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप का वहाँ पे इम्पोर्टेंस आ जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आई आई टीज जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप पे काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इंस्टीट्यूट फेलोशिप कट डाउन हुई है, सीट्स घटे हैं, तो वो ज़्यादातर उन्हीं कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं जिनके पास सिर्फ जेआरएफ होता है मोस्टली, और इंस्टीट्यूट फेलोशिप थोड़ी कम हो जाती है. लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा कई आईआईटीज में इंस्टीट्यूट फेलोशिप बढ़ा है, इवन इन आईटी बीएचयू इस बार सीट्स आई थिंक 7 या 6 हो गई है इंक्रीज होकर, जो कि लास्ट टाइम 1 थी. तो इस वजह से जो है कॉम्पिटिशन में भी थोड़ा सा वो इजाफा होता है. तो आप लोग जो है सिर्फ इस एक्सपीरियंसेस से कि यहाँ पे टफ था आईटी बीएचयू में आप ना आए, लेकिन हाँ एक्सपीरियंसेस हर जगह के थोड़े यूनिक हो सकते हैं. तो इसी के आगे बात करते हैं, जैसे कि आपने बार्क एग्जाम जो है क्वालिफाई किया, बार्क के इंटरव्यू को क्रैक किया, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. और आप बार्क का फॉर्म कब रिलीज हुआ था और कब उसको आपने भरा, क्योंकि जनरली कई सारे बच्चों के साथ ये दिमाग में क्वेश्चन राइज होता है कि सिर्फ सीएसआईआर जीआरएफ होना ही सब कुछ नहीं, अगर गेट भी है तो भी आप कुछ ऐसे एग्जाम से ऐसे चीजों में जा सकते हैं जो बिना सीएसआईआर के थ्रू भी आप पीएचडी कर सकते हैं, विद फेलोशिप कर सकते हैं, तो इवन आईआईटी नहीं है तो भी.
तो आप बार का एग्जाम कब आया, उसको आपने भरा, फिर उसके बाद कैसे कैसे जो है आपकी जर्नी, थोड़ा आप उसको डिटेल में इलाबोरेट करें तो। बाघ फॉर्म हैज रिलीज्ड इन अबाउट अगस्त और सितंबर मंथ इन प्रीवियस ईयर एंड इट वाज वेरी शॉर्टेड टाइम, मींस आई थिंक 15 और 20 डेज एंड देन इट विल आई थिंक उन्होंने मेंशन किया था, इट हैड मेंशन दैट इंटरव्यू विल टेक अप इन नवंबर मंथ बट दे डिडंट डू, he will take in January month 2024 and then after in April I got mail. So you have to keep patience ki ye nahi ki matlab nahi ho khatam ho gaya, no it will take time, you have to keep some patience and yeah whenever you give interview and you feel rejection the patience own self develop inside you, so yeah first thing just patience rakho sab hoga acche se hoga jayega. तो अगस्त में स्टार्ट होता है मतलब फॉर्म अगस्त सितंबर में, देन जनवरी तक इंटरव्यू का फाइनल हो जाता है एंड एक ही इंटरव्यू होना है दैट्स इट, उसी मतलब वो लेंथी होगा काफ़ी, मे बी 30 मिनट 40 मिनट या लाइक मी 1 आवर 15 मिनट. सो सी दे लुक की मतलब दे आपको देखेंगे कि हाउ मच टाइम यू विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैम, आप वो आपका देखेंगे हाउ टू आंसर. Because I know, sir, you just keep some code, like, precursors of amino acids. So, उन्होंने मुझसे पूछा था, they will ask me कि what is the precursor of this amino acid and that amino acid. So, I was just confused. So, I told him, can I write the code? And one word abbreviation I wrote there. And they were very impressed. आपने कहाँ से सीखा, मतलब कहाँ आपका जो तरीका है पढ़ने का या ये इस तरीके से, दैट्स वाज वेरी गुड. तो उन्होंने सामने से बोला, मैंने बोला कि सर मेरे एक सर थे और जहाँ से मैंने गेट की कोचिंग की थी, तो उन्होंने मुझे ये सारे कोड्स एंड न्यूमोनिक्स वगैरह बताया. तो अगर आपको यू नो हम तो आप मतलब जैसा पढ़े हो ना सम सेम थिंग यू एक्सप्रेस दिया, बिकॉज वो आपको देखें वो मतलब पूरा बैठे आपको देखने के लिए कि कैसे आप कर रहे हो, आप आंसर कैसे कर रहे हो, आप उस स्ट्रेस को कैसे टॉलरेट कर रहे हो, आप कैसे मतलब आप नर्वस हो कि आप कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर को लेकर, टू बी कॉन्फिडेंट. नहीं आता तो बोल दो सर नहीं आता, आप डोंट गो द रॉन्ग ट्रैक या वहाँ नो डोंट गो, बस आप बोल दो सर नहीं आता क्योंकि आई सेड दैट कि सर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. So they will help you then. If you said na that I don't know, then they will help you and they will give some hint ki aap bahut jaoge answer tak. So don't go on the wrong way or by going the wrong answer. क्योंकि आप जब भी कोई गलत आंसर करते हो उसका मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी नहीं आ रहा है, और जो गलत आंसर आप कर रहे हो जिससे रिलेटेड कर रहे हो वो भी नहीं आ रहा है. तो हमेशा जो है बेहतर यही अप्रोच होता है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, और रैदर देन की रॉन्ग आंसर देने की बजाय. तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको याद है जो बार के इंटरव्यू में पूछे गए थे? फर्स्टली दे विल आस्क यू व्हाट योर इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग वेरी टू बी वेरी पर्टिकुलर बिकॉज देन वहीं से आपका बेस बनने वाला है. देन आई सेड से बायोकेमिस्ट्री, देन दे आई विल एनीथिंग अदर, देन आई विल से मॉल बायो सेल बायो इम्यूनोलॉजी. Okay, and then they will ask about biochemistry, about plot the line of Weber-Bohr graph, competitive, non-competitive, and uncompetitive in enzyme kinetics. And I have drawn everything, means Km value, Vmax value, everything, just you put on, slope and all. And then they will ask some amino acid structures. Then they will ask to me about precursors of amino acids. And then they switch to metabolism, Krebs cycle, and inhibitor of any particular enzyme during the Krebs cycle, glycolysis, and some protein metabolism. And then they had switched on endocrinology. Then they had switched on photosystem, means just draw the PS1 and PS2, and intermediates between the holes in non-cyclic, how many ATP will form, how many NADH will form, very basic question. And then they had switched on physiology,
like system, human body system basically. And again, then after they will switch on mol bio, then technique portion, particular technique they had asked, like they had asked me FRET and FRAP technique, FRET technique, PCR. Then they had given you some conditions, means some, then they will ask you which technique you will do for solving this problem, like that. And then they had asked me about microbiology, and like CFU, colony forming unit formula. So I had read CFU in GATE exam. I know sir given that formula in the content, but I said, sir, I have no idea about microbiology because this is not my field. So sir said, one of them said to me, if you had GATE score, your GATE score was so good, so you have to know. So I said, sir, I had read that thing, but now I didn't remember. So they said, okay, I will give you some hint. Now I know you will reach there. Okay, then they will give me a hint. Then I'm not very sure, but I give some formula that times are this and multiply by this and this, something like that. I said like something like that. So उन्होंने बोला, no, it is not something, it is like that. आप सही पहुंच गए. तो मैंने बोला, oh, फिर हो गया पे. And lastly, they asked me, they were the first one and two, I mean, I was so nervous. उसके बाद मुझे लगा कि okay, because मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन में अप टू 10th क्लास. तो मैं था कि सर मुझे पढ़ाना है यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने मुझे मार्क चौक दे दिया था. तो मैं आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल. दैन एक घंटा मैंने बिता लिया आराम से वहाँ पे. तो फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आप कैल्शियम क्लोराइड का वन मोलर एंड वन नॉर्मल सॉल्यूशन बना दोगे. हमने सर बन जाएगा. आई वॉज लाइक दैट, ओके सर बन जाएगा. और तो मैंने प्रॉपर सारे फॉर्मूला लिखे. अगर आपको पता है तो आप लिखो, उनको पता होना चाहिए कि आपको पता है ये सारी चीज़ें. आप शो करो अपने स्किल, बिकॉज वो बैठे हैं देखने के लिए. डोंट हाइड दैट कि आप मन में कर रहे हो, कहीं पे गलत भी हो गया. नहीं, आपको चौक मिला है, ब्लैक बोर्ड है, तो कर दो. तो बिकॉज वो चाहते भी थे आई थिंक. तो मैंने प्रॉपर सारे फॉर्मूला लिखे हैं, एंड देन फिर वो सब अच्छा था, मतलब हो गया था. मतलब वो कोई स्ट्रीम छोड़ा नहीं था उन्होंने, सारे स्ट्रीम को एक एक क्वेश्चन उन्होंने पुट ऑन किया था मुझसे, लगभग पूरा घुमा फिरा के उन्होंने पूछा था. हाँ, और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अपने स्किल्स को शो करना चाहिए. ये निब्बा निब्बी वाला इश्क नहीं है कि मैं खाना खाऊंगा और सामने वाले के पेट में चला जाएगा. दैट शो योर एक्सपीरियंस, शो योर नॉलेज कि मुझे ये पता है, मैंने ये सीखा है. और वो चीजें तभी शो कर पाओगे जब आप उससे थोड़ा बहुत मेहनत किए रहोगे. और जैसा कि आपने कहा कि आप टीच करते थे या टीच करते हो अभी 10th क्लास के लिए, तो वो काफी हेल्प करता है. कभी कभी जो है, जब आप एक्सप्लेन करने का जो स्किल होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाता है इंटरव्यू में भी. क्योंकि अगर आपको खुद के नॉलेज को एक्सप्लेन करना आ गया कि मेरे दिमाग में जो कुछ भी है वो मुझे सामने वाले को बताना कैसे, अगर वो तरीका आपको आ गया तो इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है. इसलिए ये तरीका, अगर किसी को बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है, किसी को बोलने में दिक्कत होती है, तो आप जो है टीचिंग करना शुरू कर सकते हैं अपने से छोटे बच्चों को. उससे आप अपने दिमाग में भरी हुई इंफॉर्मेशन को बताने का तरीका सीख जाओगे कि समझाना कैसे होता है. इससे आप इंटरव्यू में खुद के जो आंसर है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे. और तो बार का इंटरव्यू इस तरीके से, अगर आपके एक्सपीरियंसेस रहे, एक क्वेश्चन जनरली लोगों के मन में अराइज होता है कि एमएससी, अच्छा आपका लॉकडाउन में था या लॉकडाउन के पहले था? फोर्थ सेमेस्टर वाज इन लॉकडाउन. तो तीन नॉर्मल. थीसिस क्या थी, लैब में हुई थी? नहीं, नहीं, थीसिस लैब में नहीं हुई थी. तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैंने थीसिस, एमएससी की जो थीसिस है वो अगर लैब में नहीं करी तो मैं क्या मेरी पूरी पीएचडी होगी नहीं, या उसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंटरव्यू पे होगा, ऐसा कुछ हुआ क्या या कैसा रहा फिर? नो सर, उन्होंने देखा कि 2020 इज अ पास्ट पासिंग ईयर, तो इट इज वेरी अंडरस्टूड थिंग कि 2020 है तो कोविड टाइम है. सो दे डिडंट आस्क टू मी अबाउट माय थीसिस, अबाउट माय डिसर्टेशन, नो एनी क्वेश्चन कि किसने किया, टॉपिक क्या था. नो मोर क्वेश्चन, जस्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बताओ और उस पर शुरू हो जाओ. तो थीसिस इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट. मतलब वो आपसे पहले पूछते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, मतलब जो आपको अच्छा आता है. इन एवरी आईटी दे विल आस्क यू, उससे रिलेटेड फिर वो क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो कितना सच बोल रहे हो, मतलब उसमें सच में आता है कि नहीं आता. ओके, ग्रेट.
सो अल्टीमेटली अगर जो है ये आपकी जो पूरी की पूरी जर्नी रही, मतलब जब से आपने तैयारी करनी शुरू करी, गेट क्वालिफाई किया, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और उसके बाद फिर बार्क क्वालिफाई किए, अभी बार्क में आपको जो है फिर जाना है एडमिशन के लिए, तो अल्टीमेटली इन सारे जो है वो एक्सपीरियंसेस को सम अप करके अगर आपको उसको कुछ एक मैसेज के तौर पे स्टूडेंट्स को देना हो कि ये एक्सपीरियंसेस किसी एक ऐसा स्टूडेंट जो सुन रहा हो, जो अभी तैयारी करना शुरू किया है, जो फ्रेशर हो या जो इंटरव्यू में अपियर होना चाह रहा हो, तो उसके लिए कोई एक अगर आप सजेशन या कोई एक मैसेज देना चाहे अपने पूरे एक्सपीरियंसेस के। अगर इफ यू वॉन्ट टू गिव इन एनी इंटरव्यू, जस्ट रिमेंबर विथ योर एंड वेरी पर्टिकुलर विथ योर वर्ड्स, बिकॉज एज माई एक्सपीरियंस योर आंसर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. आप जो आंसर करोगे वहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा और वही वर्ड वो यूज भी कर देंगे कि आपने बोला है तो यू हैव टू नो अबाउट इट. और अगर फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग कि अगर नहीं पता तो आप मत बोलो, बोल दो सर नहीं पता है. नहीं तो सी इफ यू गो थ्रू द रॉन्ग आंसर देन रॉन्ग क्वेश्चन पुट अप अगेन रॉन्ग देन अगेन रॉन्ग देन अगेन रॉन्ग, इस तरह से होल सिनेरियो विल बी रॉन्ग, तो आपका खत्म वहीं पे फिनिश हो गया. तो इसीलिए जस्ट बी पर्टिकुलर फॉर योर क्या वर्ड आप यूज कर रहे हो. और थर्ड थिंग कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव अन कॉम्पिटिटिव एंजाइम कैनेटिक्स पूछा, आपको अच्छा खासा पता है द प्लॉट, पता है पैरामीटर्स क्या क्या हो रहे हैं, आप अच्छे से शो करो. लेकिन आप उनको मतलब ऐसे हमारे यूपी मतलब चराओ मत, मतलब इधर उधर मत लेके जाओ कि जितना है मतलब टू बी वेरी पॉइंटेड चीज मतलब बोलो कि सर ये है इसके बाद. अगर कुछ एक्स्ट्रा एडवांस पता है, जैसे मैंने बोला था कि ऐसे अनकम्पिटिटिव है तो वो ई एस से बाइंड होगा, तो वहाँ पे था कि वो ड्रग डिजाइनिंग में यूज होता है बिकॉज उस एंजाइम अपने फुल्ली एक्टिवेटेड स्टेज में होता है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप उसको शो करो कि सर मुझे पता है इसके बारे में. लेकिन जैसे आपको ये पूछा तो आप पूरा बायोकेमिस्ट्री घुमा रहे हो उनको, तो उनको मतलब पूरा उनको पता है वो चीज क्या पूछ रहे हो वो उनको. और एक चीज मैंने खुद पर्सनली फील किया कि जब मैं बोल रही थी और जब या तो मैं जिस तरीके से मैं ब्लैक बोर्ड पे दिखा रही थी, तो जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पता, जैसे मैं किसी क्वेश्चन पुट करती हूँ ना बच्चों से, तो आप जब भी एज अ टीचर व्हेन वी डू आस्क सम क्वेश्चन टू एनी स्टूडेंट, आपके अंदर भी एक आंसर चलेगा एंड यू वांट दैट सामने वाला वही आंसर दे क्योंकि तो आपने उसको पढ़ाया है. और अगर आप वो बच्चा देता है ना तो आप क्या होता है ना कि आपका एक्सप्रेशन आता है कि हाँ मतलब वो होता है ना कि आप चाहते थे वो बोल दिया, तो लाइक दैट कि जब मैं आंसर कर रही थी तो वो उनके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, मतलब वो नहीं मतलब कि आई टू आई कांटेक्ट जो होता है दूसरे पैनल मेंबर से कि लाइक दैट. तो मीन्स उस टाइम पे मैं देख पा रही थी वो चीज और वो मुझे अंदर अंदर मोटिवेट कर रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि चल मैं ठीक जा रही हूँ, मतलब मुझे मैं गलत नहीं बोली. तो टू बी वेरी पर्टिकुलर टू योर वर्ड्स, मतलब क्या बोल रहे हो और किसके बारे में कितना बोलना है, फालतू का मतलब नहीं करना, स्टोरी नहीं बनानी है वहां पे. तो द सम अप ऑफ दिस मैसेज, जैसा कि बोला स्मृति ने, कि पहली बात तो यह है कि आपको घुमाना नहीं होता आंसर्स को, मतलब आपको अगर पूछा जा रहा है कि इस रूम में कितनी लाइट्स जल रही, तो आप ये मत बताओ कि मैं सीढ़ी से आया तो ये हुआ, इतने स्विचेस थे, ये पंखे थे, ये सीधे बात होनी चाहिए कि तीन लाइट्स है तो तीन लाइट जल रही है, दैट्स टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर होना चाहिए. दूसरा, आपका आंसर जब होना चाहिए तो उस आंसर्स में बहुत ही स्ट्रेंज कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए. अगर आपने बहुत अलग कीवर्ड्स या बहुत अनरिलेटेड कीवर्ड्स को घुसा दिया आपने डेफिनेशन में, तो उसकी वजह से उसी कीवर्ड्स को पकड़ के वो दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर देंगे तुरंत, और उस कीवर्ड्स के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हैं तो फिर आप फंसते चले जाएंगे ट्रैप में, आपने अपने ही जाल बुन देंगे. इसलिए उतने ही कीवर्ड्स को चूज करिए जिन कीवर्ड्स को आप जानते हैं अच्छे से, जिनके बारे में आपको पता हो, और उसके अलावा जो सारे आप आंसर्स देते हैं, बी कॉन्फिडेंट इन दैट आंसर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अगर आपके आंसर में दिखेगा तो वो सामने वाले को कन्विंस भी करेगा, और साथ में आप अपने आंसर्स को देते वक्त बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो भी आपके इंटरव्यू पैनल में मेंबर्स होते हैं, क्योंकि जब आप आंसर दे रहे होते हैं और आपका आंसर सही हो रहा होता तो भी समझ में आता है कि उनका बॉडी लैंग्वेज शो हो जाता है कि आप सही बोल रहे हो, और गलत भी बोल रहे होते तो भी वो अपने बॉडी लैंग्वेज से जता देते हैं कि आप सही नहीं बोल रहे हो. तो अगर उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि आप गलत जा रहे हो या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ डाउट है, अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो और सही बोल रहे हो तब मत चेंज करो, लेकिन अगर आपको लगे तो चीजों को थोड़ा सा माइंड से
सहज जाओ, वहां पे थोड़ा ठहर जाओ कि नहीं हो सकता है कुछ गलत जा रहा हो। तो इस तरीके से चीजों को, और कोशिश क्या करो एब्सोल्यूट में आंसर ना करने के लिए कि जो मुझे पता है यही होता है, इसके इर्द गिर्द नहीं होता। अगर कोई पैनल में कोई मेंबर हो सकता है कि कोई वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, तो वो कहेगा नहीं इसमें ये भी होता है, क्योंकि रिसेंट रिसर्च कुछ भी हो सकता है, आपने पढ़ा 2 साल पहले के बुक से, नया क्या रिसर्च हो गया, हो सकता है उसी बंदे ने जो है वो रिसर्च करके बैठा। तो अगर कोई चीज कोई सजेस्ट करे तो आप उस पर कभी भी डिसएग्री मत कर जाओ कंप्लीटली कि अरे सर ऐसा नहीं होता, मैंने ये पढ़ा नहीं। ये बोल दो कि हाँ मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं जब पढ़ूंगा तो हो सकता है कि ये चीज सही हो। तो ये चीज हमेशा याद रहे, डिप्लोमेटिक आंसर देना है कि मेरे को मेरे इंफॉर्मेशन के अनुसार ये सही है या गलत है। अपने इस बात को कोट करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल चीजें रहेंगी। तो ये रहा हमारे इंटरव्यू सेशन स्मृति के साथ, और होपफुली कि आपका जो ये एक्सपीरियंस रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद, आपके दिमाग में कई सारे जो क्वेश्चंस चल रहे होंगे वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी हुआ होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि गेट एग्जामिनेशंस के बाद भी आप अच्छी जगहों पे पहुंच सकते हैं, CSIR ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ CSIR के लिए करते रहे तैयारी, क्योंकि उसके करने से आपके पास एक और सर्टिफिकेट GRF का आ जाता है, जिससे आप एक और बेहतर जगह या और ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं कई IITs या कई जगह पे जाने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई अगर क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच स्मृति यहाँ पे जुड़ने के लिए। और जैसा कि पहली बार हम जो इंटरव्यू सेशन ऑफलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, तो और स्मृति उसकी पहली मेंबर है, तो हम स्मृति को जो है कुछ वेदमी की तरफ से गुडीज जो है वो गिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो यस स्मृति, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। और वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।